हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मूंग दाल की खस्ता मसाले वाली भिड़ई और आलू की चटपटी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने कटोरा ले लिया है, इसमें हम एक कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। ये आधी कटोरी सूजी है, सूजी को हमने मिक्सी में थोड़ा चला लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। ये अजवाइन है, इसको हम क्रश करके डालेंगे। ये कसूरी मेथी है, इसको भी हम क्रश करके डालेंगे। 2 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को मार लेंगे। हम इसका सॉफ्ट डो बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो सूजी डली है वो अभी फूलेगी। ये हमने सॉफ्ट डो लगा लिया है, थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे और इस डो को 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। ये आधी कटोरी मूंग की दाल है, इस कटोरी से हमने आधी कटोरी इसको रात को भिगो दिया था, ये गल गई अच्छे से, इसको हमने धो लिया है। इस दाल को अब हम मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें जो पानी है इसको हटा देंगे। इस दाल को अब हम पीस लेंगे। दाल को हमने दरदरा पीस लिया है, हमें इसको ज़्यादा महीन नहीं करना था, हम इसको दरदरा ही पीस लिया है। देख सकते हैं ये हमारी दाल पिस गई है। ये मैंने तवे पर 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। अब हम इसमें छोटी चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल देंगे। पीस लिया है, अब हम इसको, तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे। गैस को हम धीमा रखेंगे। मसालों को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, मसाले हमारे भून गए हैं। ये जो हमने दाल पीसी थी इसको इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। ये हींग है, हींग डाल देंगे। ये गरम मसाला है, गरम मसाला डालेंगे। ये अमचूर पाउडर है, इसको भी मिला देंगे। हल्दी पाउडर, बेसन डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे। ये हमने कसूरी मेथी ली है, इसको क्रश करके डाल देंगे। मसाले हमारा बनके तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें मैं मिर्ची डालना भूल गई थी, तो इसमें मैं ऊपर से कुटी लाल मिर्ची थोड़ी सी मिला दूंगी। भिड़ई में मसाला भरने के लिए तैयार है। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दी है। कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे भिड़ई के लिए। 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया है, छोटी चम्मच से। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। ये हमने एक तेज पत्ता ले लिया था, इसको हम तोड़ के डाल देंगे।
ये हमने छोटी इलायची ले ली थी, इसको भी हम तोड़ के डाल देंगे और इसका छिलका हटा देंगे। ये बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची इसको भी हम तोड़ के डालेंगे और इसके छिलके को ऊपर से डाल देंगे। ये हमने चार लौंग ली हैं, इनको भी डालेंगे। ये छः सात काली मिर्ची है, इन्हें भी डाल देंगे। ये कटोरी में हमने आधी चम्मच हल्दी ले ली है। ये मिर्ची है एक चम्मच, सूखा धनिया है ये एक चम्मच। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। खड़े मसाले हमारे अच्छे से भुज गए हैं। अब हम इसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी डाल देंगे। ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, इसे डाल देंगे कलर के लिए। ये हमने एक टमाटर लिया था काट के, इसको भी डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। ये मैं सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से भूंज लेंगे। मसाला हमारा भुन गया है, टमाटर भी अच्छे से हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें, ये हमने दो आलू लिए हैं, इनको हमने उबाल लिया है और फोड़ के इसमें डाल देंगे। बेड़ई के साथ चटपटी आलू की सब्जी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये चटपटी आलू की सब्जी बनाई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब हम इसको खोला लेंगे। सब्जी हमारे अच्छे से खोल गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ये हमने धनिया साफ करके काट के रख लिया था, थोड़ा सा हरा धनिया बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। सब्जी बनकर हमारी तैयार है, हम गैस को बंद कर देंगे। दो को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इससे बिड़ई बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे अच्छे अच्छे तरीके से मसल लेंगे। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल लगाते अब इसकी हम लोई काट लेंगे। लोई हम नींबू के बराबर की रखेंगे। ये हमारी 7 लोई बनके तैयार हुई है। अब हम इनको एक साइड में रख देंगे। हम इनको ज़्यादा बड़ा नहीं ना ज़्यादा छोटा, मीडियम बेल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच दाल का मसाला है इसे भर देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हल्के हाथ से दबा देंगे। ऐसे ही हम सारी बिड़ई को भर लेंगे। अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, हमने गोल शेप में इनको बेला है। आप चाहें तो इसको लंबे आकार में भी बेल सकते हैं।
पहले गैस हमारी धीमी थी, अब हमने इसको मीडियम कर दिया है। अभी हम इनको पूरा नहीं सेकेंगे, अभी इनको इतना ही सेक के निकाल लेंगे, इन्हें हम दोबारा से फिर से सेकेंगे। ऐसे ही हम सारी बिड़ई को सेकेंगे। ये बिड़ई जो हमने सेक के रखनी थी ठंडी हो गई, अब हम इनको दोबारा से सेकेंगे। धीमी गैस रखेंगे। दोनों साइड से हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे। उलट पलट के हमने ऐसे अच्छी तरीके से सेक लिया है, सारी बिड़ई को हम ऐसी तरीके से सेक लेंगे। आलू की चटपटी सब्जी और बिड़ई बनकर तैयार हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाकर देखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।